बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन के नेता जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उससे लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे को नसीहत देते दिख रहे हैं तो अब उनके छोटे सहयोगियों ने भी नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी के नेता ए विजय राघवन के बयान से सामने आया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का वादा किया था, उन्हें जल्द ही इस वादे को पूरा करना चाहिए। महागठबंधन सरकार बनाने के बाद अब तक 25,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य ए विजय राघवन ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होगी, इसका प्रयास सीपीआई भी कर रही है। देश में जन समस्या दूर करने में मोदी सरकार विफल रही है, इसकी नीतियों के खिलाफ 5 अप्रैल को दिल्ली में मजदूर किसान रैली होगी। बता दें कि ए विजय राघवन ने पटना में 2 दिन की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम 10 लाख नौकरियां देने के वादे को पूरा करें। अभी तक 25,000 लोगों को नौकरियां दी गई हैं। बेघरों को बसाने की घोषणा पर भी तेजस्वी यादव कायम रहे, अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ा न जाए। विजय राघवन ने शराबबंदी को विफल बताया और कहा कि प्रशासनिक तौर पर विफलता के चलते ऐसा हुआ है। बता दें कि सीपीएम महागठबंधन में शामिल है और नीतीश सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।